हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस 11B कंप्लीट करवाया था और वहां पे मैंने आपको समझाया था कि मास का स्टैंडर्ड यूनिट्स है वो हमने की ग्राम पढ़ा था और उनके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी क्वेश्चन हमने सेल्फ प्रैक्टिस 11B में कंप्लीट किया। सेशन होने वाले हैं बच्चों वो है कैपेसिटी का, राइट। तो कैपेसिटी का डिटेल समझेंगे, इनके कॉन्वर्सेशन ऑफ यूनिट को भी समझेंगे, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी सीखेंगे और इन्हीं के साथ जो सेल्फ प्रैक्टिस 11C है वो भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले देखो कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या होता है, राइट। कैपेसिटी का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है मैट्रिक सिस्टम में वो बच्चों लीटर्स होता है, जो आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी, तो आप क्या बोलेंगे? लीटर। क्या बोलेंगे? लीटर। अच्छा, अब देखो इनके कुछ प्रीफिक्स आपको इस टेबल में दिया हुआ है। जैसे देखो किलो, के एल अगर लिखा रहता है इसका मतलब क्या होगा बच्चों? किलो लीटर्स। तो किलो लीटर्स यानी एक किलो लीटर्स में कितने लीटर्स होते हैं? 1000 होता है। अब देखो एच एल का मतलब क्या होता है? हेक्टोलीटर्स। क्या होता है? हेक्टोलीटर्स। हेक्टोलीटर का मतलब क्या होता है? 100 लीटर होता है। उसके बाद डी ए एल यानी डेका लीटर, डेका लीटर जो होते हैं बच्चों 10 के बराबर होते हैं, 10 लीटर्स के बराबर होते हैं, राइट। और लीटर तो लीटर ही होगा, राइट। तो ये जो तीन यूनिट्स है ना, ये इसको आप हायर यूनिट कह सकते हैं। और उसके बाद देखो ये क्या है, डेसी लीटर्स है, यानी डी एल को डेसी लीटर बोलते हैं, सी एल को सेंटीलीटर बोलते हैं, राइट, और एम एल को मिली लीटर्स बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1/10, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं, इसको 0.01 लिख सकते हैं, और इसको अगर आप लिखना चाहे तो 0.001 लिख सकते हैं। बात समझ में आया? या आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप डेसिमल में लिख सकते हैं। तो ये आपको रिलेशन समझ में आ गया। चलिए अब देखिए कह रहा है कि इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स, राइट, इनको एक रिलेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर में क्या होता है बच्चों? 1000 लीटर होता है। 1 हेक्टोलीटर में क्या होता है? 100 लीटर्स होता है। 1 डेकालीटर में क्या होता है? 10 लीटर्स होता है। 1 मिलीलीटर्स में क्या होता है? या तो 1/1000 लीटर लिखो या फिर 0.001 लिखो, राइट। उसके बाद 1 सेंटीलीटर में क्या होता है? 1/100 लीटर्स या फिर 0.01 लीटर्स आप लिख सकते हैं। 1 डेकालीटर्स में क्या होता है? 1/10 या 0.1 लीटर्स आप लिख सकते हैं। तो बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर आ गया? तो आप इस कन्वर्सेशंस को, इस कन्वर्ट को अच्छे से याद रखें, जिससे कि अगर मैं अभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा या आपको क्वेश्चंस मिलेगा तो आप उन क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट, यूनिट को कैसे हम कन्वर्ट करें एंड लोअर यूनिट्स टू लीटर्स एंड कन्वर्जेंस ऑफ द लीटर्स इन वेरियस यूनिट्स एज वेल एज इन कन्वर्जेंस बिटवीन द वेरियस यूनिट्स इज शो इन द ब्लू इन डायग्राम्स, राइट। तो यानी हम क्या कर सकते हैं, हायर यूनिट को लोअर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, लोअर यूनिट को हायर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं। तो सबसे पहला मेथड देखो कह रहा है टू कन्वर्ट हायर यूनिट टू लोअर यूनिट वी मल्टीप्लाई, यानी हम लोगों को हायर यूनिट से अगर लोअर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए लीटर क्या है बच्चों? स्टैंडर्ड यूनिट है। लीटर क्या है? स्टैंडर्ड। और इस साइड के जो यूनिट्स हैं ये हमारे हायर यूनिट है, किलो लीटर है, हेक्टोलीटर है और डेका लीटर है। और इस साइड के जो यूनिट है ये बच्चों लोअर यूनिट है, जैसे ये जो है डेसी लीटर्स है, सेंटीलीटर्स है और मिलीलीटर्स है। तो देखो इसे हमें क्या कर रहे हैं, यानी आप अगर मान के चलो इससे इधर लेकर के आओगे, बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, हायर टू लोअर मल्टीप्लाई, हायर टू लोअर मल्टीप्लाई, राइट। उसके बाद लोअर टू हायर, ये जो कि हायर है और ये लोअर है तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। बात समझ आया कि नहीं आया? क्लियर आ गया? चलिए अब इसका दूसरे टेबल में देखिए, ये क्या है बच्चों? लीटर स्टैंडर्ड यूनिट्स है कैपेसिटी का, ये क्या है? बिग यूनिट्स है और ये लोअर यूनिट्स है। तो कह रहे टू कन्वर्ट, अगर आप लोअर यूनिट से हायर यूनिट में कन्वर्ट करते हो तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है बच्चों? डिवाइड करना पड़ता है। जब भी आप लोअर यूनिट से हायर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ इस टेबल में देख पा रहे होंगे, ये इससे बड़ा तो ये है ना, तो छोटा से बड़ा में जा रहे हैं,
तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, छोटा से बड़ा में जा रहा है डिवाइड करना पड़ेगा, छोटा से बड़ा में जा रहे डिवाइड करना पड़ेगा, छोटा से बड़ा में जा रहे डिवाइड करना पड़ेगा, छोटा से बड़ा में जा रहे डिवाइड, छोटा से बड़ा में जा रहे हैं डिवाइड। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब भी हम छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं, यानी लोअर यूनिट टू हायर यूनिट में जाते हैं, तो हमें डिवाइड करना पड़ता है, और जब हायर यूनिट से लोअर यूनिट में जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से रिमेंबर करना है, जिससे कि आप कैपेसिटी के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? सो अब आप यहां पे देखिए कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। कन्वर्जन्स ऑफ वेरियस यूनिट्स टू लीटर्स, लीटर्स टू वेरियस यूनिट्स, राइट। अच्छा यहां पे देखो 2.3 किलो लीटर्स है, तो जब हम इसको लीटर भी चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि किलो लीटर्स बड़ा है, लीटर छोटा है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो 1.8 सेंटीलीटर्स है, और जब हम इसे लीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीलीटर जो होता है ना छोटा यूनिट होता है और लीटर बड़ा होता है, तो इसलिए हमने डिवाइड किया है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब देखो 64 हेक्टोलीटर्स है, तो हमें क्या करना है, लीटर में चेंज करना है, तो ये इस साइड की जो वैल्यू है ना आप ऐसे समझिए, देखो KL है, HL है और ये ML है, तो ये तो बच्चों छोटा यूनिट है, ये दोनों बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो देखो बड़ा यूनिट है तो हमें छोटा में कन्वर्ट करने के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा। ये लीटर्स है बच्चों, इसको हेक्टोलीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, छोटा से बड़ा में जाएंगे तो। ये देखो क्या है, ये मिलीलीटर्स है और इसको हमें क्या करना, लीटर में चेंज करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर दिया। सेम बच्चों यहाँ पे देखो, ये छोटा यूनिट्स है, ये बड़ा यूनिट है, ये मिलीलीटर छोटा यूनिट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपने देख लिया। अब देखो आपको कुछ हेल्पलाइन दिया हुआ है, राइट। क्या है ये हेल्पलाइन सर? देखो बच्चों ये जो तीन यूनिट है ना, आप ध्यान रखना, ये जो किलो लीटर्स है, हेक्टो लीटर्स है और ये डेका लीटर्स है, ये तीनों बड़े यूनिट है यानी हायर यूनिट है, और ये जो तीनों है ना ये क्या है बच्चों, स्मॉलर यूनिट है, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया जो हायर यूनिट से लोअर यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और लोअर यूनिट से हायर यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। और ये जो बीच में एल है ना, यानी लीटर जो है ना, ये स्टैंडर्ड है, इसको आपको ध्यान में रख के करना पड़ेगा। बात समझ आया जी? चलिए अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं 25 और हेक्टोलीटर्स को, ठीक है। डेका लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया। 13.8 डेका लीटर्स को हमने क्या किया बच्चों, मिलीलीटर में चेंज किया तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो 500 डेका लीटर्स है, इसको क्या करना है, किलोलीटर में चेंज करना है, तो हमने क्या किया, 100 से डिवाइड किया, तो रिजल्ट आ गया। 3.117 हेक्टोलीटर्स को जब डेसीलीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और ये आपको यहाँ पे स्टेप्स दिखाए गए कि किस स्टेप में हमें क्या करना है। आपको सिंपल टेबल्स याद रखनी है कि जब इससे इसमें जाते हैं तो 10 से, इसमें जाएंगे तो 10 से, इसमें जाएंगे तो 1000 से, समझ में आ रहा है। यहां जाएंगे तो 1/10, यहां जाएंगे तो 1/100, यहां जाएंगे तो 1/1000, ये चीजें आपको माइंड में सेट करके रखना है। क्लियर आया समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब इनके जो सेल्फ प्रैक्टिस है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ब्लैंक्स यानी खाली स्थान को हमें क्या करना है बच्चों, भरना है। तो कैसे भरेंगे, आपको ये जो कन्वर्सेशन है ना, ये कन्वर्सेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो कह रहे 7 लीटर्स, 7 लीटर्स में कितने मिलीलीटर्स होते हैं, तो आपको पता है 1000 हो जाएगा, क्या होगा, 1000 मिलीलीटर्स होंगे, यानी 1 लीटर्स में क्या होता है बच्चों, 1000 होता है, तो 7 में कितने होंगे, 7000 हो जाएगा, क्या होगा, 7000 मिलीलीटर्स हो जाएंगे। बी में देखो कह रहे 235 डेसीलीटर्स है, इसको डेका लीटर में कन्वर्ट करना है तो कितने हो जाएंगे, हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। डिवाइड करोगे इसको तो कितना आ जाएगा, 2.35 आ जाएगा, यानी हम इसे 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये देखो ये छोटा यूनिट है और ये बड़ा यूनिट है, ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको पहचान करनी पड़ेगी कि कौन से छोटी यूनिट है, कौन से बड़ी यूनिट है। ये चीजें अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएटेड हो सकता है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे देखो किलो लीटर्स है और यहाँ पे डेका लीटर्स है, तो ये बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800
100 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए लीटर्स है और ये किलो लीटर्स है, तो ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो क्या होगा 4.468 आ जाएगा। अब आप ई में देखिए 7.854 किलो लीटर से, और यहां पे लीटर में चेंज करना है, तो ये बड़ा यूनिट है ये छोटा यूनिट है, तो हमें यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, तो क्या हो जाएगा 7854 आ जाएगा, क्योंकि तीन जीरो है तो 1000 तीन जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा। अब आप यहां पे देखो हेक्टोलीटर है और यहां पे डेसीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसने 10000 से, तो 124 टाइम जीरो हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें, 3.8 लीटर्स को हमें क्या करना है, डेका लीटर में चेंज करना है, तो बस सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 38 आ जाएगा। एच में 137.3 सेंटीलीटर्स को डेका लीटर में चेंज करना है, तो वी नीड टू डिवाइड राइट, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो आपको आ जाएगा 13.73, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स थे ए से लेकर के एच तक के जितने भी पार्ट्स थे सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया, और आप पहचान कर पा रहे हैं कि कौन से बड़े यूनिट है और कौन से छोटे यूनिट है। तो ध्यान रखना जब भी हायर टू लोअर जाते हैं तो हमें डिवाइड करते हैं, और लोअर टू हायर टू लोअर जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर। चलिए अब देखते हैं स्टेटमेंट ट्रू, कह रहे स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, यहां पे आपको इनको रिकग्नाइजेशन करना पड़ेगा, पहचान करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, यानी कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो लेट्स सी, देखो कह रहे एक किलो लीटर जो होता है 100 मिलीलीटर्स के बराबर होते हैं, तो ये क्या होगा आपका फॉल्स होगा बच्चों, क्या होगा फॉल्स, क्योंकि एक किलो लीटर्स में क्या होता है 1000 लीटर्स होता है मिलीलीटर्स, तो यहां पे तो क्या लिखा हुआ 1000 मिलीलीटर्स, अच्छा एक किलो लीटर्स में क्या होगा, तो ये तो गलत है, ठीक है फॉल्स आएगा बच्चों, क्या होगा फॉल्स। अच्छा बी में देखो कह रहे 1 लीटर्स में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, 1 लीटर्स में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। 1 डेसीलीटर्स 1/100 होते हैं क्या, तो आपको यहां पे क्या बताना है फॉल्स। 1 हेक्टोलीटर्स 1/10 के बराबर होता है क्या, तो आपका आंसर ट्रू होगा, ठीक है। 1 डेकालीटर्स 100 सेंटीलीटर्स के बराबर होता है क्या, राइट तो ये क्या होगा आपका ट्रू। 1000 मिलीलीटर्स 1 लीटर्स के बराबर होता है क्या, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका जो एफ पार्ट है वो बच्चों हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। 1 सेंटीलीटर 100 लीटर्स के बराबर होते हैं क्या, राइट तो ये आपका फॉल्स होगा। ये सब बच्चों आपको जो टेबल्स हमने बताया ना उनके अकॉर्डिंग कर लेना है। 1 लीटर 1/1000 तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू। तो मेन आपको जो मैंने हेल्प लाइन टेबल्स बताया था है ना, जैसे हमने आपको किलो लीटर बताया था, हेक्टोलीटर, डेकालीटर और लीटर, फिर उसके बाद हमने बताया था आपको डीएल बताया था, सीएल बताया था, एमएल बताया, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। सो अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है एक्सप्रेस इन लीटर्स डेसीलीटर सेंटीलीटर्स और मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखो पॉइंट से पहले की जो वैल्यू होता है ना बच्चों वो लीटर होता है, तो हम यहाँ पे 132 लीटर लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 8, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए डेसिमल से पहले क्या है 0, तो यहाँ पे 0 लीटर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 7, बहुत ईजी। अब देखो हमें क्या कह रहा है, पहले तो ये वैल्यू दे रखा था और इसमें हमें चेंज करने के लिए कह रहा है, अब क्या कह रहा है ये वैल्यूज आपको दे रखा है इसको इसमें चेंज करना है। तो देखो यहां पे हमें कह रहे हैं 12 लीटर्स, तो यहां पे क्या लिखेंगे सॉरी 22 है बच्चों, तो 22 पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, उसके बाद हमें लीटर होना चाहिए ना, तो यहां पे तो लीटर है नहीं, तो 0.48 आ जाएगा, 0.48 आ जाएगा, क्या होगा
0.48 सेंटीलीटर में आ जाएगा। क्लियर? अच्छा 0.48 आ जाएगा आपका आंसर। अच्छा अब क्या कह रहा है, 21 मिनट, यहाँ पे बच्चों जीरो नहीं आएगा, 48 आप जीरो लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, बट लिख दो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो बी में कह रहा है 88 लीटर्स 9 मिलीलीटर्स, 88 लीटर्स और 9 मिलीलीटर्स है, तो क्या हो जाएगा 88.009 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो होता है हमारा पॉइंट से पहले का होता है और ये मिलीलीटर सबसे लास्ट में होता है, तो 0.009 आ जाएगा, ठीक है। अब सी में देखो 2 डेसीलीटर्स है और 8 मिलीलीटर्स है, तो देखो डेसीलीटर से बच्चों क्या है डेसीलीटर, तो हमें क्या हो जाएगा आपको यहां पे लिखना है 0.208 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां पे देखो 415, तो पहले तो आप ये लिखो 415 पॉइंट, अब यहां पे देखो 3 सेंटीलीटर्स है और 5 मिलीलीटर्स है, तो क्या लिखोगे 035 आ जाएगा, खत्म बात। तो समझ आया कि नहीं आया? तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है, टेबल को मेनली आपको ध्यान रखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है बच्चों, अ बोतल कैन स्टोर, एक बोतल है जो स्टोर करता है पानी 1.23 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है। दिस इज सेम एज मिलीलीटर्स, तो इसको मिलीलीटर में कैसे लिखोगे, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई, है ना, हमें क्या करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1230 आ जाएगा, यानी हमें इसे क्या करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, अ ह्यूज वाटर टैंक कैन स्टोर, यानी एक वाटर टैंक है जो बहुत ज्यादा पानी स्टोर करके रखा है, कितना कर रखा है जी 1500 लीटर, यानी 15000 है बच्चों, 15000 लीटर वो स्टोर करके रखा है टैंकर, ठीक है, ऑफ वाटर फॉर द एंट्री इन सोसाइटी, सोसाइटी में एंट्री करता है 15000 लीटर लेकर के टैंकर, इट्स कैपेसिटी इज किलो लीटर्स, राइट। तो इनका कैपेसिटी किलो लीटर्स में कितना होगा, तो सिंपल 1000 से डिवाइड कर दो तो 15 किलो लीटर हो जाएगा, क्योंकि 1000 से डिवाइड करोगे तो 3 जीरो से तो कैंसिल हो जाएगा, तो 15 किलो लीटर्स आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, रहमान यूज्ड 2030 मिलीलीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल्स इन अ मंथ, एक मंथ में इतना मिलीलीटर्स तेल वो खाने में खर्च करता, ठीक है। द ऑयल यूज इन लीटर्स, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इसको डिवाइड कर दो, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 2.03 लीटर्स आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्या होगा 2.03 लीटर जो है इसका आंसर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये जो सेल्फ प्रैक्टिस 11C है बच्चों कंप्लीट होता है।